नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कल 30 अगस्त के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहने वाले हैं। बट उससे पहले चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया और मार्केट में कैसा दिन रहा। दोस्तों, पहले तो मार्केट ने हमें एक गैप अप ओपनिंग दी। ओपन होते ही मार्केट ने 44,680 का हाई लगाया, लेकिन इसी लेवल से मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिलती है और रिजेक्शन देखने के बाद धीरे धीरे मार्केट एक पुल बैक लेकर वापस जाता है 44,620 लेवल्स पर। इस लेवल से रिजेक्शन मिलते ही जैसे ही मार्केट इस स्विंग को तोड़ता है, नीचे की तरफ हमें एक लेवल्स देखने को मिल जाते हैं और मार्केट अपने दिन का लो 44,440 इस लेवल पर लगा देता है। 44,440। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे मार्केट पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद ऊपर आने की कोशिश करती है और तकरीबन 12:30 बजे मार्केट में एक कैंडल आती है जो एकदम नीचे की तरफ ब्रेक करती है और इमीडिएटली अगली कैंडल आकर वापस इसको 44,580 लेवल्स के आसपास लेकर चली जाती है। आज जैसे कि आप जानते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी मार्केट के अंदर और मार्केट का जो मूड था वो थोड़ा लैक लस्टर ही रहा। आज 2:30 बजे के आसपास फिर से बड़ी एक कैंडल हमें नीचे को देखने को मिलती है, फिर से मार्केट पुल बैक लेती है और उसके बाद वापस 44,460 लेवल्स के आसपास जाने के बाद मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तकरीबन लास्ट के 15-20 मिनट में मार्केट वापस कंसोलिडेट करती है और 44,516 के लेवल पर मार्केट की आपको क्लोजिंग मिलती है। अब बात करते हैं कि कल मार्केट ओपन कहां पर हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले रुख करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ और ग्लोबल मार्केट्स में आज बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। US मार्केट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स में इस टाइम पर तकरीबन 230 पॉइंट की बढ़त है। नैस्डैक की अगर बात करें तो NDX भी 278 पॉइंट के साथ ऊपर ट्रेड कर रहा है। S&P इंडेक्स की बात करें तो S&P इंडेक्स भी में भी एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है, तकरीबन 1.5% की, ऑलमोस्ट 56 पॉइंट अप है। और अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर तकरीबन 90 पॉइंट्स ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, इन सब का क्या मतलब है, वो ये है कि कल मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। एक बड़ा गैप अप आप कल मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये गैप अप तकरीबन आपका 200 से 250 पॉइंट तक का भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओपनिंग में ही आप बैंक निफ्टी को 44,700 के लेवल्स के ऊपर देख सकते हो, मतलब आपकी कल की ओपनिंग मार्केट में इस एरिया पर रह सकती है। अब याद आपको ये रखना है कि अगर मार्केट में ओपनिंग 44,700 पे होती है तो डेफिनेटली ये वो पॉइंट है जो कल मार्केट कल का मतलब आज का PDH रिजेक्शन एरिया। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है, जिसके चांसेस अच्छे हैं, तो डेफिनेटली फिर से मार्केट में एक हल्की फुल्की डे हाई से पुट पोजिशन बन सकती है और नीचे जो आपको सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगी वो 44,600 और 44,550 लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। कॉल की पोजीशन तभी मार्केट में बनाएं अगर 44,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो फिर मार्केट के जो अपर रेसिस्टेंस एरियाज हैं ऊपर देखने वाले, वो आपके पास 44,800 और 44,900 पर आपको मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें, बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।